दोस्तों अभी हम पहुंच चुका है असम, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहा है। तो अभी हम पहुंच गया है तिनाली, जो वो पासीघाट से आने वाला है और उस तरफ वो जो सिलापत्थर से आने वाला है, वे तू सिली लीची अत लिखा हुआ है। उस तरफ जो मैं आपको दिखाया था रेलवे स्टेशन वहाँ में है, बहुत दूर में। तो चलिए फ्रेश और हम लोग पवित्र स्थान पे पहुँच गए हैं। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे आप थंबनेल में तो देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं एक जो कि अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर के नाम से जाना जाता है, जिप्पू प्रेयर सेंटर है, जो कि लिकावाली का सामने में जिप्पू है वहाँ पे है। और दोस्तों आप में से कोई जिप्पू प्रेयर सेंटर को यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं और कभी नहीं गया है, तो मैं ये वीडियो के द्वारा आपको पूरा दिखाऊंगा। अभी मैं पासीघाट में है और पासीघाट से जिप्पू प्रेयर सेंटर कैसे आप पहुँच सकते हैं। जिप्पू जगह का नाम है और प्रेयर सेंटर अरुणाचल क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर उसका नाम है। तो जिप्पू का एरिया में है वो जो, और अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, कभी कभी अगर आप विश्वासी हैं तो आपको प्रोग्राम मिल जाता है, तो आप यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं और आप वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो, और आपको रास्ता पता नहीं तो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये वीडियो को आप पास से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम पासीघाट में है, ये जो बाजार में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वो जो आप देख सकते हैं, ये जो 2 माइल है यहाँ से हम सफर शुरू कर रहा है, वीडियो बनाना शुरू कर रहा है। पूरा नहीं दिखा सकेगा, लेकिन जहाँ जहाँ मैं मेन तिनाली उसे मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा तिनाली को आपको। ये पासीघाट वेलकम गेट है। ये रानी बस्ती है। दोस्तों ये रुक्सिन है, अब हम रुक्सिन पहुंच चुका है, जो आपके स्क्रीन पे है ये जो है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री गेट है, ये आप पुलिस देख सकते हैं। अभी हम जोनाई प्रवेश कर लिया है, ये असम है। अभी दोस्तों अभी हम पहुंच चुका है असम, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर, तो आप देख सकते हैं वहाँ से हम निकलेगा। एग्जैक्ट ये जगह का नाम पता नहीं है, लेकिन ये रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा जगह है, तो आप भी यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। वो पासीघाट से आने वाला है उस तरफ, वो पासीघाट से आने वाला है और ये जाएगा। अभी हम तेलम नहीं पहुँचा है, तेलम पहुँचने वाला है। तो चलिए दोस्तों और सफर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गया है तिनाली, जो वो पासीघाट से आने वाला है और उस तरफ वो जो सिलापत्थर से आने वाला है, वो सिलापत्थर से आने वाला है। और मैं आपको तिनाली को दिखा दूं, ये जो तिनाली में जो आपको बताया था वे तो सिली लीची अत लिखा हुआ है, इसे मैं अभी आपको जूम करके दिखाएगा। यही तिनाली से घुसेगा अंदर में, यहाँ से लगभग कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन वो बाद में हम आपको बताएगा। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर कुछ समथिंग का होगा। ये सिली लीची अत जो बस्ती का नाम है, तो ये बस्ती को पार करके आपको मिलेगा। ये आसपास में रहता है, तीनों बस्ती है आसपास में है। इसके बाद आपको जिप्पू मिलेगा, जिप्पू का अंदर में वो रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो साइन बोर्ड वे तू सिली लीची अत लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, ये घास जो भरा हो जाता है तो उसका ब्रांचेस इसको दाग जाता है, तो आप दिखाई नहीं देता है, ये मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। और इसका एक लैंडमार्क मैं आपको बता दूँ, उस तरफ ये जो तिनाली ये जो देख रहा है, यहाँ से घुसने के बाद वहाँ में वो रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन का आप नीचे से नहीं घुसना है, रेलवे स्टेशन आगे से घुसता है हेड से, तो यही से घुसेगा। हम आपको दिखाता है यहाँ से वो जो सिलापत्थर से आने वाला है, यहाँ एक गेट बना है लेकिन ये टेम्पोरी है, यहाँ से हम घुसेगा।
जिपू के लिए, अरुणाचल पेरा सेंटर के लिए। उस तरफ जो मैं आपको दिखाया था रेलवे स्टेशन वहां में है, वहां में बहुत दूर में देखिए, आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन उस तरफ है। दोस्तों ये तिनाली जो वहां से आया था, लेकिन उस तरफ आप नहीं जाना है, वो असम निकलेगा। तो आपको इस तरफ जाना है, यहाँ से वहां से देखिए वो जो पहाड़ देख रहे हैं वो अरुणाचल है। तो रास्ता वहां पे से निकलेगा और सेंटर जो उस तरफ है। तो चलिए अब जो मैंने रास्ता दिखाया वहां से आपको जाना है। फिर यहाँ एक तिनाली मिलेगी वे टू सिली, यहाँ से निकलेगा हम सिली के लिए, वे टू सिली। ये लीची है और सिली उस तरफ है, तो वहां से हम निकलेगा। उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है। अच्छा तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्रिश्चियन का घर है, क्रिश्चियन का घर है। देखिए एक बिलीवर्स का है, मसी घर है। तो ये एक घर है, न्योई पोरुप सेली लिखा हुआ है। तो वहां से भी जाके आप निकाल सकता है, लेकिन हमको ये शोर है। तो दोस्तों अगर आप भी शोर जाना चाहते हैं तो यही से निकले, वहां से हम आए थे, तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ से निकलेंगे। तो चलिए यहाँ से शोर से निकलने करके भी। चलिए अब मैं पैशन गया हूँ यहाँ से, वो आपका इस तरफ गलती से नहीं जाना है, हम वहां से आए थे, पूरी लेफ्ट लेना है। तो यही से निकलेगा, यही से निकलेगा। बता दो अगर आप यहाँ से सीधा निकलेगा तो वहाँ से आप मालिनीतन निकलेगा, मालिनीतन से आप कवाली निकल सकते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड हम पहुँच गया है, धन्यवाद प्रभु यीशु को। तो आप देख सकते हैं ये है जिपू प्रेयर सेंटर, आप देख सकते हैं अरुणाचल क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर जिपू, जीसस सेव जीसस हियर। तो चलिए प्रेज द लॉर्ड हम लोग पवित्र स्थान पे पहुँच गया है, अभी यहाँ पे जाएंगे हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ के स्टाफ को। ये पास्टर का घर है जो राइट साइड में है। I'm going to go to the next one.
दोस्तों अभी पुल ब्रेक हो गया है, तो पुल ब्रेक अगर आप ये पस्तिंग सेंटर में आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। आप ये देख सकते हैं, ये मेन किचन है। ये मेन किचन में आपको कभी कभी क्या होता है, बाहर से जीरो से इटानगर से आता है, उसको पता नहीं चलता है, तो मैं बता दूं। ये नोटिस देखिए, पस्तिंग पैनल ब्रेक टाइम 3:30 को हो जाता है, 3:30 PM को बेल मरता है, बात वो लोग प्रार्थना कर देते हैं, प्रेयर वॉरियर। देन फास्टिंग पुल ब्रेक मस्ट बी टेकन इन जनरल मेस एंड किचन, नॉट इन पर्सनल किचन। पर्सनल किचन में नहीं होगा, सब जनरल किचन में होगा। ये जनरल किचन है, उस तरफ मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस तरफ ये पूरा फास्टिंग हॉल है, जितना ये दिखते हैं फास्टिंग हाउस है, और इस तरफ भी वह चर्च है, और ये भी सब स्टाफ का है, ये सब स्टाफ का है, और ये है आपका जनरल किचन। तो मैं थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर में। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो मेरा आज पुल ब्रेक हुआ है, पुल ब्रेक होके मैं भी करना का लिया हूँ। ये यहाँ का किचन है। हाय बाय, आपको प्राइस चलो है। तो दोस्तों ये है किचन, जो कि अरुणाचल क्रिस्टन प्रेयर सेंटर का किचन है। आपको पुल ब्रेक होने के बाद यहीं से खाना खाके जाएगा, पर्सनल किचन में नहीं होगा। तो हम अभी खा लिया, मेरा भी प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो ये वीडियो स्पेशली उसके लिए जो बाहर से दिखते हैं, यहाँ आना चाहता है लेकिन रास्ता पता नहीं है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों ये चर्च है संतर का, वहाँ से एंट्रेंस है, इसके साथ वो पूरा फास्टिंग हॉल है, किचन उस तरफ में है, ये सब पस्तिंग हॉल है, सब पस्तिंग हॉल से। और मैं यहाँ पर रहता हूँ, और हम सब पासी कब जाएंगे। चलिए अब पुल ब्रेक हो गया है, तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। दोस्तों अभी मेरा फास्टिंग प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते मैं आपको दिखा दूं, जो आप दूर से देख रहे होंगे, या इटानगर से, या जीरो से, बांदरदुआ से, या यिंगचाओ से, कहीं से भी आप देख रहे होंगे, प्रभु के स्थान को तो सब पहुंचते हैं। और ये अरुणाचल क्रिस्टन प्रेयर सेंटर जिपू को आप देखिए, कभी नहीं देखा है, और जो आना चाहता है दृश्य पता नहीं, आप देख सकते हैं ये इनका व्यू है, वो आप एवन जल्दी शुरू रहता है। और ये जो पास्टर का है, पास्टर एवंजेलिस संतोष एवं सर का है, और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है आपका दुकान, जो कुछ छोटा मोटा चीज मिल जाता है। और ये पेंटिकोस्ट राय हॉल है, पेंटिकोस्ट हॉल है। तो अभी हम यहाँ से निकलेगा, ये गेट है। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और जो मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया दिखाया। और अगर आप आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी को भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल में, मैं जहाँ भी जाता हूँ चर्च और प्रेयर सेंटर का, वो मैं अब वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि जो नहीं जा पाते हैं उसके लिए वो यूट्यूब से सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए चर्च एक्सप्लोरेशन या प्रेयर सेंटर एक्सप्लोरेशन या कुछ क्रिश्चियन प्रोग्राम में। So till then, take care, bye bye, see you in next video, bless, amen.